अब आपको मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता दें, महापंचायत के पहले किसान पंचायत जारी है। आज छपरौली कस्बे में चौबीसी खाप की पंचायत होगी। 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आसपास के इलाकों के कई किसान इस पंचायत में हिस्सा लेंगे। पंचायत में किसानों का शोषण और महंगाई मुद्दा रहेगा। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी किसानों की पंचायत। छपरौली कस्बे में आज होगी। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर आज की पंचायत में चर्चा। आसपास के इलाकों के कई किसान आज की पंचायत में हिस्सा लेंगे। ये तैयारी है, बिल्डअप है 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत का। शोषण और महंगाई आज की पंचायत में मुद्दा रह सकते हैं। महापंचायत के पहले छोटी छोटी किसान पंचायतें रोज की जा रही हैं। आज छपरौली कस्बे में 24 खाप की पंचायत। सीधा चलते हैं मुजफ्फरनगर, और बलराम पांडे इस वक्त वहां से हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। उनके पास तमाम विस्तृत जानकारियां हैं इन पंचायतों के बारे में जो 5 सितंबर को होने वाली सबसे बड़ी पंचायत के पहले का बिल्डअप है। आज की पंचायत के बारे में बताएं बलराम। देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें पंचायत की, तो पंचायत का दौर लगातार जारी है और इस पंचायत के जरिए किसानों की समस्याएं उठाई जा रही हैं और किसानों का आह्वान किया जा रहा है कि वो 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में होने वाली जो महापंचायत है उसमें शामिल हों, उसमें शिरकत करें, ताकि किसानों का जन और बल सरकार को दिखाया जा सके और उसके बाद इसी महापंचायत में कुछ अहम निर्णय लिए जाएं, जिसको लेकर के जो कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है उसको धार दी जाए। और इसी कड़ी में आज बागपत के छपरौली में 24 खाप चौधरियों के नेतृत्व में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें खाप चौधरी शिरकत करेंगे और साथ ही जो आसपास के जिले हैं वहाँ के किसान इस पंचायत में शामिल होंगे। वहां पर महंगाई और किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में उन सभी किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये राजेंद्र कहा जा सकता है कि 5 सितंबर की जो महापंचायत है वो किसानों के लिए बेहद अहम है, और यही वजह है कि चाहे टिकैत परिवार हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हो, सभी गांव-गांव जिलों-जिलों में पंचायत करके भीड़ इकट्ठा करने का आह्वान कर रहे हैं और किसानों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस महापंचायत में पहुंचे। और जिस तरीके से अब खापों ने खासतौर से राजेंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत का दौर शुरू किया है और इस महापंचायत का समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो खाप चौधरी हैं वो भी 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में शिरकत करेंगे और भारी तादाद में किसानों के पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि जिला प्रशासन भी अब पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है, बाहर से भी फोर्स मंगवा रहा है ताकि 5 सितंबर को जो महापंचायत हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, ये मुजफ्फरनगर में किसी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए चुनौती ना होने पाए, बिल्कुल ठीक बात है बलराम। प्रशासन को सतर्क रहना भी चाहिए, प्रशासन को सतर्क रहना भी चाहिए। आपने बताया कि कैसे लगातार ये पंचायतें हो रही है, लगभग रोज हमने देखा ये पंचायतें आयोजित की जा रही हैं और 5 सितंबर को सबसे बड़ी पंचायत आयोजित होने का दावा किया जा रहा है। और आप ये भी अपडेट दे रहे हैं कि प्रशासन इसके लिए सतर्क दिखाई दे रहा है, बाहर से फोर्स भी मंगवा ली गई है।